YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसा शेयर जो कि पूरी तरह से क्रैश हो गया है, तो क्या आपको यह शेयर बाय करना चाहिए, किस प्राइस लेवल पे बाय करना चाहिए, कब बाय करना चाहिए, अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे इस स्टॉक्स के बारे में इस वीडियो में हम। ये स्टॉक्स है हमारा पेटीएम, देखिए 197 कम्युनिकेशन इस नाम से ये कंपनी लिस्टेड है। आप पेटीएम सर्च करेंगे तो भी आएगा। अगर बात करें मार्केट कैप का, 38,000 करोड़ का है, जबकि 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप था। तो ये स्टॉक पूरी तरह से क्रैश हो चुका है, जिन्होंने भी हायर लेवल पे इसे बाय किया वो पूरी तरह से इसमें ट्रैप हो चुके हैं। तो देखिए, ऐसे स्टॉक्स को हमेशा अवॉइड करना चाहिए जिसमें लगातार गिरावट हो रही हो, जो डाउन ट्रेंड में हो। कभी भी फॉलिंग नाइफ को हमें कैच नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमें एक बड़ा लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर बात करें कंपनी के टॉप लाइन ग्रोथ का, तो देखिए सेल्स कंपनी का यहाँ पर लगातार इंक्रीज हुआ है। 2016 में मात्र 500 करोड़ के आसपास का था, जो कि 2021 में हो चुका है 2600 करोड़ का। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए कंपनी लॉस में है और ये 1500 करोड़ रुपये के लॉस में चल रही है नेट प्रॉफिट, जो एनुअल नेट प्रॉफिट है। अब कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल जो कंपनी के पास 61 करोड़ का है। रिजर्व जो है कंपनी का ये लगातार इंक्रीज हुआ है, 6000 करोड़ का रिजर्व हो चुका है। डेट की बात करें कंपनी का डेट भी लगातार इंक्रीज हुआ है, लेकिन कुछ खास डेट नहीं है। बस मेन इश्यू है कंपनी जो है लॉस मेकिंग कंपनी है। और यहाँ पर कैश फ्लो की बात करें, कंपनी लॉस मेकिंग है तो कैश फ्लो देख सकते हैं निगेटिव में है। तो ऐसे कंपनी में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, फंडामेंटल्स देखते हैं तो वहाँ पे भी पता चल रहा है। अब बात करें इन्वेस्टर सेक्शन का, यहाँ पर प्रमोटर्स का स्टेक तो दिख नहीं रहा है। FIIs स्टेक 9% है, DIIs का 1% है, पब्लिक स्टेक 89% है। अब देखिए यहाँ पर पब्लिक स्टेक में आपको प्रमोटर्स का स्टेक दिख जाएगा। तो अभी यहाँ पर विजय शेखर शर्मा जो कि पेटीएम के फाउंडर है, देखिए उनके पास इतना शेयर है 8%, और अलग अलग कंपनीज के नाम से भी शेयर है। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर skinner.in पर ये सारा चीज़ डिवाइड नहीं है, कितना प्रमोटर्स के पास है कितना पब्लिक के पास है। देखिए अब बात करते हैं टेक्निकल चार्ट पर। देखिए हम टेक्निकल चार्ट को ज़्यादा फॉलो करते हैं, देखिए फंडामेंटल्स देखना तो बहुत ही बहुत जरूरी, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए कंपनी जो है जब तक ये स्टॉक बुलिश पैटर्न नहीं बनाता है, प्राइस एक्शन जब तक बुलिश ना हो जाए तब तक आपको नहीं बाय करना चाहिए, चाहे स्टॉक्स गिर करके 100 रुपये का क्यों ना हो जाए। अभी 592 रुपये का स्टॉक्स है, देखिए आज भी काफ़ी ज़बरदस्त इसमें गिरावट हुआ है। तो स्टॉक्स जितना गिरे गिरने दीजिए, जब तक प्राइस हमारा बुलिश पैटर्न नहीं बनाता है, प्राइस जब तक बुलिश नहीं हो जाता है तब तक हम इसको बाय नहीं करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। देखिए इसका जो प्रीवियस जो सपोर्ट जोन था वो था 730 रुपये का, 730 रुपये का ये जो सपोर्ट जोन है ब्रेक कर चुका है, और देखिए काफ़ी तेज गिरावट हुआ इस सपोर्ट को ब्रेक करने पर। अब ये रेसिस्टेंस का काम करेगा, तो प्राइस यहाँ पर बुलिश कब बनता है, अगर अभी यहाँ पर बुलिश पैटर्न बने तो ये 730 रुपये को क्रॉस करेगा तब आप इसको बाय कर सकते हैं। फिलहाल इसमें कोई भी बाइंग का सिग्नल नहीं है, स्टॉक पूरी तरह से क्रैश हो गया है। तो जिनके पास ये शेयर है निश्चित रूप से काफ़ी पैनिक में होंगे। अगर आपने अभी अभी बाय किया है तो आप यहाँ पर लॉस बुक करके चल सकते हैं। हमें बाय तब करना है जब ये बुलिश पैटर्न बनाएगा, अभी इसमें कोई भी बुलिश पैटर्न नहीं है, पूरी तरह से स्टॉक्स बेयरिश है। देखते हैं लगातार प्राइस यहाँ से 1900 से ये लगातार नीचे गिर रहा है, अभी इस स्टॉक्स को पूरी तरह से हम अवॉइड करेंगे। जब ये बुलिश पैटर्न बनाएगा तो हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे स्टॉक में बुलिश पैटर्न फॉर्म हो रहा है, आप इस स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। तो हम उस स्टॉक्स को ही बाय करने के लिए बोलते हैं जो कि या तो बुलचिप कंपनी है, मार्केट की वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनियाँ हैं, या तो जिसमें बुलिश पैटर्न हमें दिखता है, कम से कम हमें शॉर्ट टर्म में जिसमें प्रॉफिट आ सकता है तभी हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाएंगे। अगर हमें शॉर्ट टर्म में वो बुलिश दिखता है और कंपनी फंडामेंटली सॉलिड है तो हम उसको होल्ड कर सकते हैं। इस स्टॉक्स को अभी अवॉइड करना है जब तक बुलिश पैटर्न नहीं बनता है, बुलिश पैटर्न बनते ही हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।